भाई नीचे। ओ बेटे दी जान भाई मैं हार रहा हूँ आज। हैट्रिक का चांस है यहाँ पे। तो वेलकम है तुम लोग का लूजिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल के पार्ट 4 में। इस टूर्नामेंट में कुछ भी हो रहा है मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा। छोटी टीमें ज्यादा खतरनाक लग रही है मेरे को। और आज जो है हांगकांग क्रिकेट के साथ हमारा मैच है। चलते हैं बस सीधा मैच की तरफ। पिच वही है इस टूर्नामेंट में, सेटअप अपने आप करता है ये सारी चीजें। और यहाँ पर जो है रोहित शर्मा क्या करेंगे, आज टॉस जीत पाऊंगा, आज मैं हेड्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं टेल्स लेता हूँ। देखते हैं हेड्स क्या इस बार मेरी किस्मत चमका पाएगा। ना भाई बैटिंग आ गई पहले। यहाँ पे ऋतुराज फेस करेंगे पहली बॉल ऋतुराज की। हमारे लिए काफी टाइम बाद टीम में जगह बना पाए हैं और पहली बॉल पे यहाँ पे सिंगल निकाला है ऋतु ने। और डबल नहीं 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 नो वे भाई, मेरे को लगा बॉल आगे निकल गई, मैं दूसरा रन के लिए भाग गया, लेकिन यहाँ पे बॉल तो यहीं पर थी। कौन आउट हुआ? रोहित शर्मा। आई एम नूब। विराट कोहली आ चुके हैं अब। कमन ऋतुराज रिस्क लो भाई, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और रिस्क लिया है। हवा में गेंद है, गैप में गेंद है, चार रनों के लिए गेंद है, यही चाहिए हमें ऋतुराज से। यहाँ पर भी क्या ऋतुराज मार पाएंगे, बाउंसर आ रही है, घुमाया है बल्ला, पीछे बॉल गई है और चार रनों के लिए दो बॉलों पे दो चौके, यही चाहिए ऋतुराज से हमें। ऋतुराज यार थोड़ा आराम से खेलो, शॉट है गैप में है, चार रनों के लिए है, क्लास के साथ यहाँ पे फ्लिक किया, चार रन एक और। इस बॉल को बाहर भेजेंगे क्या ऋतुराज? बिल्कुल, स्टेप आउट किया है, एक और चौका, यही। यार ऋतुराज क्या खेल रहा है, उसको पता है कि रोहित शर्मा आउट हो गए हैं, अब ओपनिंग के तौर में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और बंदा ले भी रहा है। सही सोच है ऋतुराज की, यहाँ पर बिल्कुल सही सोच है, बाहर वाली गेंद और बाहर ही, छह के लिए। यहाँ पे ई खान आते हुए, विराट भाई बल्ला बोल दो अपना। ओए भाई यार इनसाइड एज लग गई, किल्ली पे लग गई, किस्मत ही आज बेकार लेकर आया हूं मैं, चुम्मी दे रहा है ऊपर से मेरे को। अब भेजते हैं सूर्य कुमार यादव को। ऋतुराज ने हेलमेट उतार लिया है, यानी कि ऋतु को गुस्सा है। ऋतु भाई देखो विराट कोहली को आउट कर दिया है, आप पे आपको भी। ऋतुराज बढ़िया पारी खेल रहा था लेकिन मैंने हग ही दिया। ओके ऋषभ पंत आए हैं इंजुरी से। तो पावर प्ले के बाद इंडिया का स्कोर है 33-3 आउट और ये तीसरा ही ओवर है। वाह जी वाह। और सूर्य कुमार तीन बॉलों पे तीन रन पे। अब मेरे को जो है अटैक करना पड़ेगा। ये स्लो आएगी गेंद और स्लो के साथ ये गेंद जाएगी भी बाहर। ऋषभ पंत बल्ला घुमाया, चार रनों के लिए। हेलीकॉप्टर आएगा ऋषभ भाई बिल्कुल, और छह रनों के लिए आएगा। लेट्स गो, ये ओवर बढ़िया, 10 रन आगे तीन बॉलों पर। कमबैक हो रहा है गाइस। आई थिंक इस पे ना स्वीप लग सकता है, स्वीप लगा है, खराब हो जाएगा मैं। परफेक्ट टाइम है ब्रो, परफेक्ट पे आउट दे रहे हैं, बताओ मेरे को। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं यहाँ पे अक्षर पटेल को भेज रहा हूँ। कमन सूर्य भाऊ बिल्कुल सूर्य भाऊ ऐसे ही, कब तक शांत बैठोगे, अपना खून खोलो सूर्य भाऊ। यहाँ पे कौन आए हैं? अक्षर पटेल आए हैं, ठीक है अक्षर भाई, पहली बॉल आराम से खेलना है आपने। पीछे की तरफ गैप में है, चार रन है, अरे वाह अक्षर भाई वाह, शॉट है ये यार, पीछे अगर बाउंड्री निकल जाए ना तो। यहाँ पर एक और चौका, अक्षर पटेल योर ब्यूटी, दो बॉल पे दो चौके, विकेट जा रही है पर रन्स भी मिल रहे हैं हमें, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके पहली गेंद, अरे यार ये बढ़िया गेंद है, ये वही है, नहीं ये कोई और है, राशिद खान का स्टाइल कॉपी, लेकिन चार रन। अब तो फ्लिक के साथ चौके निकल रही है तो प्रेशर नहीं आ रहा। ओके ई खान फिर से आ गया, जिसने एक ओवर में दो विकेट्स निकाली थी। इसको थोड़ा पेलते हैं यार, इसको बताते हैं असली गुंडे कौन है इस एरिया के। चलो फिर इसको बताते हैं ना गुंडे। कौन आउट हुआ? सूर्य भाई आउट हो गए। हार्दिक भैया इसको बताओ यार, ये हमें पीट रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो वाइस कप्तान आए हैं, अब मार के दिखा लौंडे तेरे को, बताता हूँ मैं, रुक जा। आई थिंक मैं ना स्ट्रेट एक चौका लगा सकता हूँ, स्ट्रेट मारने वाली बॉल ही नहीं दी, इसलिए लेग साइड पे मार सकता हूँ। और यहाँ पे छह रनों के लिए बिल्कुल, आ जा ईखान तेरे को बताता हूँ, पांच रन और तीन विकेट लिए इसने। और यहाँ पे मैं ना सीधा मारना चाहूंगा क्योंकि लगेगा, ये बिल्कुल लगेगा, चार रनों के लिए लगेगा बिल्कुल। अक्षर पटेल छह के लिए या चार के लिए? चार के लिए, बापू ओपी इन द चैट हो जाना चाहिए। तो 99 पे पहुंच चुके हैं इंडिया, आठवां ओवर चल रहा है, 13 बॉल पे 36 रन है यहाँ पर अक्षर पटेल के। अक्षर भाई आपने बचा ली है हमारी इज्जत कुछ इस तरीके से ही, एक और चौका इसी के साथ, 40 पे अक्षर पटेल और 100 के पार इंडिया।
फास्ट बॉलर आ चुके हैं यहाँ पे हार्दिक भाई, लास्ट के दो ओवर है 103, मेरे को कम से कम यहाँ पे 140 रन से ऊपर चाहिए क्योंकि मेरे को लगता है कि हांगकांग वाले हमें हरा सकते हैं। और यहाँ पे 6 है, बढ़िया शुरुआत इस ओवर की छक्के के साथ हुई है। आ जाओ कमन पांड्या भाई, इस बॉल पे भी आना चाहिए। ओहो हो, शॉट ऑफ द डे आ गया है, शॉट ऑफ द डे आ चुका है यहाँ पर। हार्दिक भाई क्या तीन बॉलों पे 3 सिक्स लगा पाओगे? नहीं नहीं, हवा में गेंद है, पीछे फील्डर आ रहा है, यार इतनी ऊपर कैसे उछल गई यार। 2 सिक्स लगाने के बाद हार्दिक पांड्या यहाँ पे चलते बने, आगे टप्पा दिया है अक्षर को, ठीक है अक्षर को आगे टप्पा, और अक्षर ने यहाँ पे उठा, मैंने मुक्का मार लेना है अपने यार। लास्ट ओवर स्पिनर और सामने होंगे रविंद्र जडेजा, क्या करेंगे, आगे टप्पा देगा क्या भाई? पैरों पे दी है जड्डू भाई, जड्डू भाई पैरों पे दी है और ग्राउंड के बाहर के लिए दी है। 122 पे पहुंच गए 6 के साथ। यार ये फील्डिंग पे मारना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आई विल ट्राई, ये फील्डिंग पे आई विल ट्राई। हवा में गेंद, नहीं ब्रो यहां पर क्यों जा रही है बॉल? जड्डू भाई 6 लगा के क्या हो जाता है? ओके सिराज भाई जितने रन बनाओगे आपके लिए फायदा है क्योंकि पहला ओवर आपसे कराएंगे। एक चौका मार दो सिराज भाई, पहला ओवर आपसे। अरे अब तो देना पड़ेगा सिराज को क्योंकि चौका लगा दिया बंदे ने। यार 135 मेरा हाईएस्ट है, क्या मैं बना पाऊंगा? देखते हैं सिराज क्या एक और बाउंड्री निकाल पाएंगे। बिल्कुल, सिराज ने दो बॉलों पे दो बाउंड्री लगा के 130 तक हमें पहुंचाया है और अभी भी दो बॉल्स बची है। चौका लगा तो 135 फिर से हो जाएंगे। चहल भाई चौका, चहल भाई चौका, नहीं यार नहीं, टूटा हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे। 132 रन बनाए हैं, 133 रन बनाए हैं इंडिया ने 10 ओवर में। पहला ओवर जैसे मैंने कहा था सिराज को मिलेगा, दोनों बैट्समैन और हमारे बॉलर भी आ चुके हैं, फील्डिंग हमारी सेट है। पहली बॉल यहाँ पे मोहम्मद सिराज अपना कमबैक करेंगे, कम ऑन सिराज भाई, पहली बॉल पे सिराज भाई विकेट ले जाओ, स्वाद आ जाना है वो पहली बॉल पे। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, ये भी ठीक है, स्ट्राइक रेट इसका 130 का है, देखते हैं। अरे एक स्लोअर वन डालता हूं, आगे टप्पा क्या? 6 है भाई, 16 रन का ओवर है ये। जसप्रीत को दूसरा ओवर दे रहा हूं, पहले मैं जो है लास्ट के लिए बचा के रखता था, लेकिन नहीं भाई शुरू में एक आधी विकेट निकल जाए तो बढ़िया बात रहेगी, पहली बॉल पर सिंगल निकाला है जैसे इन्होंने। लेकिन तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि टेस्ट सीरीज हम जो है RC24 में करें या फिर Cricket24 में? नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि यहाँ पे 6 लगा दिया है इन्होंने। देखा मैंने बढ़िया हुआ ना, 133 रन बनाए हैं। ओके हार्दिक पांड्या आ गए हैं अब यहाँ पे। हार्दिक पांड्या एज अ मेरे थर्ड फास्ट बॉलर होते हैं तो मैं उनको हमेशा भाई तीसरा ओवर देता ही देता हूँ, मतलब कि। पर हार्दिक भाई ऐसे छक्के खाने के लिए नहीं बुलाया था मैंने भाई, क्या मार रहे हैं, सीधा बैट से मार ही नहीं रहे। इस बार गति करी है मैंने थोड़ी सी कम और इस पे भी चौका मार दिया, 40 रन पे कोई विकेट नहीं और यहाँ पे पावर प्ले चल रहा है अभी भी। भाई मैं ना वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है, अगला ओवर स्पिनर को देना पड़ेगा। हकर 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 या जमा, 43 बॉलों पे 88 रन, इट्स अ पॉसिबल थिंग। वाइड नहीं है ये, वाइड नहीं है ये, डॉट गेंद है, यस डॉट गेंद है, ओ फाइनली पहली बॉल यूजी की, फ्लिपर के साथ शुरुआत करते हैं, क्या यहाँ पे यूजी विकेट दिला पाएंगे हमें? पहली बॉल यहाँ पे हवा में खेला है और रुक जाएगा सिंगल के लिए, अभी भी देख रहे हो लॉफ्टेड ही कर रहे हैं ये लोग, नीचे नीचे खेल लो भाई नीचे। ओ बेटे नी जान भाई, मैं हार रहा हूँ आज, मैं हार रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज। 20 बॉलों पे 53 रन की पार्टनरशिप, इस बॉल पे यूजी भाई एक विकेट निकाल लो, मैं कह रहा हूँ चुम्मी ले लेनी है, लास्ट बॉल है देखते हैं। और यहाँ पे कैच हो सकता है, बिल्कुल फाइनली विकेट आती हुई और जो बल्लेबाज मार रहा था शायद उसी की विकेट है ये, यूजी चहल योर ब्यूटी, नहीं ये दूसरा था लेकिन कोई नहीं, एक विकेट आई, प्रेशर अब उनके ऊपर, डॉट गेंद आई है। यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल गए यार ये वाले हांगकांग, मैंने कहा ना इस टूर्नामेंट में छोटी टीम्स भी यहाँ पर ऐसे खेलती है जैसे। ये मेरे को लगता है मैंने रिस्की बॉल डाल दी है, फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डाली है, ओए नाइस नाइस डॉट गेंद। यार ये वाइड नहीं होनी चाहिए प्लीज, ये वाइड नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब खेल लेगा वो, कैच इट यूजी चहल योर ब्यूटी, कोर्सी को आउट किया है, दो ओवर में दो विकेट यूजी चहल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, क्योंकि वो वाली गेंद वाइड होने वाली थी और उसने छेड़ ली भाई। कमन यूजी एक और विकेट लेकर चल जाओ भाई, दो बॉलों पे दो विकेट है ये, एक और विकेट, लेट्स गो यूजविंदर चहल की ब्यूटी यहाँ पे।
दो बॉल्स पर दो विकेट, हैट्रिक का चांस है यहाँ पे। क्या यहाँ पे हैट्रिक हो सकती है? क्या यहाँ पे हैट्रिक हो सकती है? यूजी चहल तीन विकेट ले चुके हैं। अरे यार नहीं, सिंगल, लेकिन बहुत बढ़िया स्पेल, 12 रन 3 विकेट, एकदम चुम्बेश्वरी। ओके जड्डू भाई, बढ़िया ओवर जा रहा है अभी तक। और यहाँ पे एक और विकेट हो सकती है, पीछे मारने का प्रयास, लेट्स गो, 4 विकेट हो गई है यहाँ पे। एक टाइम पे मैच हांगकांग की तरफ था, लेकिन पलक झपते ही हमारी तरफ। ऑफ स्पिन डालते हैं यहाँ पर, कमॉन पैर पे, उई भाई सूर्य कुमार यादव शॉट है ये, 4 रन है मेरे ख्याल से। हाँ 19 बॉलों पे 59 रन चाहिए, 3 ओवर बचे हैं अभी। यहाँ पे एक और विकेट, जडेजा के नाम पे एक और विकेट आ रही है, बिल्कुल 5वीं विकेट यहाँ पे, चौक कर गई है यहाँ पे हांगकांग, यही चाहिए था हमें। कमॉन सिराज भाई विकेट ले लो, अबे चौका मार दिया। ओके जसप्रीत बुमराह को भी विकेट नहीं मिली है, तो बुमराह को भी विकेट दिलाते हैं। पहले ओवर में 12 रन दिए थे बुमराह ने, लास्ट ओवर है ये और पहली बॉल पे सिंगल है ये, चलो ठीक है, लास्ट बॉल है बुमराह की, कोई विकेट नहीं है और यहाँ पे कोई विकेट नहीं रहेगी बुमराह की। 21 रन दिए हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पे जीत गई है, 29 रनों के साथ इंडिया ने यहाँ पे जीत पक्की की है अपनी। गाइस लेट्स गो, यानी कि अक्षर पटेल है मैन ऑफ द मैच। और यही थी भाई हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी तुम लोग को वीडियो, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।